सर अपनी जरा ट्रेडिंग कॉल्स भी लगे हाथ बता दीजिए। डीपी जी, पहला स्टॉक फार्मा स्पेस से डिवीज लैब। हमें लगता है कि आज जिस तरीके से बाइंग इंटरेस्ट बना है और स्टॉक में एक फ्लैग फॉर्मेशन का ब्रेकआउट भी यहाँ पे डेली चार्ट पे होते हुए दिख रहा है। काफी बड़े अंडर परफॉर्मेंस के बाद अब स्टॉक एक रिकवरी के फेज में यहाँ पे आते हुए दिख रहा है। जिस तरीके से सेकंड कंसेक्यूटिव मंथ है जहाँ पे स्टॉक में एक स्ट्रेंथ बन रही है, एक फॉलिंग चैनल का ब्रेकआउट मंथली चार्ट पे हुआ, तो कहीं ना कहीं एक बड़े डाउन ट्रेंड का यहाँ पे रिवर्सल मंथली चार्ट पे बनते हुए दिखा है। हमें लगता है डिवीज लैब यहाँ से एक अपवर्ड मोमेंटम कंटिन्यू करते हुए दिख सकता है। 3450-3500 तक की अपसाइड हमें लगता है इसमें शॉर्ट टर्म में आते हुए दिख सकती है। तो डिवीज लैब बाय करने की सलाह 33-30 के स्टॉप लॉस से। जो दूसरा स्टॉक बाय करना है वो टाटा कम्युनिकेशन का। आज के सेशन में देखें तो स्टॉक ने अपने प्रीवियस स्विंग हाई का ब्रेकआउट यहाँ पे दिया है। स्टॉक अपने सारे इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस के ऊपर सस्टेन कर रहा है। अगर हम मंथली सेटअप तो 3 महीने की कंसोलिडेशन रेंज का यहाँ पे ब्रेकआउट होते हुए दिख रहा है। तो जिस तरीके की प्राइस एक्शन आज टाटा कम्युनिकेशन में बनी है, हमें लगता है ये स्टॉक में 1340 के टारगेट आते हुए दिख सकते हैं। 1265 का स्टॉप लॉस होगा। तीसरा स्टॉक होगा ऑटो एंसिलरी टायर स्पेस में। हमें लगता है अपोलो टायर को यहाँ पे बाय किया जा सकता है। एक सस्टेंड अप ट्रेंड यहाँ पे स्टॉक ने डिस्प्ले किया है पिछले कुछ हफ्तों में, और जिस तरीके से स्टॉक में यहाँ पे बाइंग इंटरेस्ट आज के सेशन में बना है, हमें लगता है अपोलो टायर यहाँ से 395 के टारगेट के लिए बाय किया जा सकता है। स्टॉप लॉस रखेंगे हम करीब 374 के आसपास। ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि आप जो शेयर्स बता रहे हैं सारे ट्रेंडिंग है। डिवीज का अच्छा बेस बन रहा है, टाटा कम्युनिकेशन पोस्ट नंबर्स काफ़ी ठीक हुआ है और अपोलो टायर्स के नंबर्स आने वाले हैं, तो ये तीनों में कहीं ना कहीं बस भी है और तीनों आपके ट्रेडिंग कॉल्स भी हैं। हमने सारे लेवल्स को अच्छे से सामने रख दिए हैं और आप भी अच्छे से नोट कर लीजिएगा। स्टॉप लॉस हमारा है, यानी कि जो स्टॉप लॉस हम दे रहे हैं वो आपको ध्यान रखना है। प्रॉफिट आपका है, जो भी लेवल आपका कंफर्ट लगता है। टारगेट वैसे तो लगाने चाहिए, लेकिन फिर भी अगर आपको लग रहा है मेरे इतने पैसे से काम बन जाएगा, बुक द प्रॉफिट लीव द मार्केट, तो ये भी एक काम कर सकते हैं बाजार के अंदर। तो पैनल पर उनसे भी समझते हैं कि वो क्या ट्रेड्स ले रही हैं। ध्वनि, आप क्या ट्रेड लेंगी, इंडेक्स पर क्या स्ट्रैटेजी होगी? अभी थोड़ी देर पहले हम राजेश से बात करते हैं, राजेश तो हमें कॉल बाय करवा रहे हैं। आप लॉन्ग के ट्रेड लेंगी, निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों बुलिश हैं या सिर्फ निफ्टी पर टिल्ट है? जी बिल्कुल प्रियंका, यहाँ पे ओवरऑल निफ्टी का अगर हम स्ट्रक्चर देखते हैं तो मुझे यहाँ से एक कॉशियस व्यू बनता है, क्योंकि ओवरऑल अगर हम देख रहे हैं तो स्विंग हाइज जो निफ्टी ने बनाए हैं वो हमने पहले जो 18,270 के लेवल देखे थे जो दिसंबर 2022 में, उसके स्विंग हाइज से ही हम वापस यहाँ पे बाइंग पावर नहीं देख पा रहे हैं। ओवरऑल इंट्राडे चार्ट को जब हम लेके आते हैं तो आज के दिन में हमें एक अप मूव मिला, बट वो सबड्यूड था, और उसके बाद डेज के हाई से हम नीचे की तरफ चल रहे हैं। तो करंटली मेरा एक कॉशियस भी बनता है इंडेक्स की तरफ में, यहाँ से मैं बाइंग अपॉर्चुनिटीज को नहीं ढूंढ रही हूँ। ओवरऑल सेल का जो सेटअप है वो 18,210 का लेवल यहाँ पे बनता है, वहां पे अगर हमें निफ्टी के अंदर सपोर्ट मिलता है तो वहां से हमें एक बाइंग अपॉर्चुनिटी देखनी चाहिए। बट करंट लेवल से मेरा एक कॉशियस व्यू है, मैं कोई भी एक बाइंग अपॉर्चुनिटी इंडेक्स में नहीं देख रही हूँ। फिर शेयर्स बता दीजिए अगर इंडेक्स में कोई भी बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं है तो। जी, मेरी तरफ से दोनों जो आज की पिक्स है वो दोनों ही सेल साइड की पिक्स है। सबसे पहले मेरी जो पिक है यहाँ पे वो हीरो मोटो कॉप में है। हीरो मोटो कॉप में हम देख रहे हैं कि स्टॉक ने 200 पीरियड की एक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे डेली चार्ट पे एक रेजिस्टेंस लिया है, वहां से स्टॉक ने नीचे की तरफ का एक झुकाव दिखाया है। ओवरऑल यहाँ पे आरएसआई भी इसकी जो है वो ओवर बॉट टेरिटरी में जा चुकी है, और वहां से हमें डाउनवर्ड क्रॉसओवर मिल चुका है। तो करंट लेवल से आप हीरो मोटो कॉर्प में सेल कीजिएगा। आपका जो स्टॉप लॉस यहाँ पे रहेगा तो 2610 का छोटा सा एक स्टॉप लॉस रहेगा। ये एक शॉर्ट टर्म प्रॉफिट बुकिंग जो है उसके हिसाब से आप स्विंग ट्रेड डाउन साइड में ले रहे हैं, तो आपका टारगेट भी यहाँ पे जो है वो 2490 का बनता है। दूसरा मेरा यहाँ पे जो ट्रेड रहेगा वो भारत फोर्ज में रहेगा। भारत फोर्ज में ऑलरेडी एक डाउन साइड का ट्रेजेक्ट्री बना हुआ है, और करंट लेवल से इसके अंदर वापस से जो सेल साइड का प्रेशर है वो बनता हुआ दिख रहा है। करंट लेवल से आपको इसको सेल करना है। नीचे की तरफ का जो टारगेट होता है आप 750 के टारगेट के लिए इसको चेज कर सकते हैं। स्टॉप लॉस है वो 785 का रखना है। ओके, ठीक है, भारत फोर्ज आपके लिस्ट में से एक है। हमने इसको उम्मीद ही कर रहा था कि ये कोई ना कोई शेयर बोलेगा ज़रूर। 750 आपका नया टारगेट है, 785 आपका एक स्टॉप लॉस भी है। ठीक है, इंडिया वीक्स हालांकि